केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व निदेशक एवं पूर्व महानिरीक्षक भूपत सिंह चौहान का रविवार को एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTC नीमच में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर CRPF DIG वेद प्रकाश शर्मा भी उपस्थित थे। परिहार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौहान मेरे अभिन्न मित्र होकर प्रतिभाशाली अधिकारी थे और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ थी। उनके आकस्मिक निधन से आंतरिक सुरक्षा अकादमी और पूरे केंद्रीय रिजर्व बल में शोक की लहर है। बताते चले कि चौहान वर्ष 2013 से 2016 के दौरान आंतरिक सुरक्षा अकादमी के निदेशक पद पर कार्यरत रहे हैं, जिसके बाद उनका स्थानांतरण नीमच में हो गया था। वर्ष 2022 में CRPF नीमच से सेवानिवृत्त होने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। उन्होंने माँ भारती का वैभव मध्य प्रदेश के लिए नौकरी को ज्वाइन किया। वो इतने सहज थे, इतने सरल थे, जब वो नीमच में पदस्थ थे तो जब उनकी गाड़ी यूनिवर्सिटी में स्वर्गीय रामचंद्र शर्मा जी के निवास पर आई थी तो उनसे मेरा परिचय हुआ था और वो परिचय निरंतर चलता रहा।